जी तो भैया कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो भैया आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोकैड 3D को, जिसमें ऑटोकैड 3D की प्रैक्टिस ड्राइंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये ऑटोकैड 3D की पहली प्रैक्टिस ड्राइंग है। तो भैया बहुत ही बेसिक से मैं आपको सिखाता हूँ। आपने जब भी ऑटोकैड को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का प्रीव्यू नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक मैं अभी ड्राफ्टिंग और एनोटेशन पे काम कर रहा हूँ, 3D बेसिक्स, 3D मॉडलिंग, और आपके पास बहुत ही ज्यादा और ऑप्शन है जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वर्क स्पेस सेटिंग है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरह का यहाँ पर वर्क स्पेस चाहिए। तो भैया उसके बाद जब भी आप ऑटोकैड को ओपन करेंगे तो आपने कर लेनी है यूनिट सेटिंग। यूनिट सेटिंग्स के लिए आपको टाइप करना है सिंपल UN, और उसके बाद आपने सिंपली एंटर कर देना है। अगर आप UN को प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी आएंगी, लाइक ये UN मैंने टाइप किया, तो थोड़ा सा आपने वेट करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा UN यूनिट्स यूनाइट अंडू। तो बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आपको जो चाहिए आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। यूनिट्स को मैंने चूज कर लिया है, और उसके बाद मुझे काम करना है डेसिमल पे, तो यहाँ पर डेसिमल और प्रिसीजन इसका 0, और मुझे यहाँ पर जो स्केल है वो इंचेस ही चाहिए, और उसके बाद मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो भाई यहाँ से मैंने 2D वायर फ्रेम पे चला गया हूँ। मैं ड्राइंग को बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ड्रा करना है सर्कल। सर्कल के लिए मुझे सी टाइप करना है, एंड देन मुझे क्लिक करना है, अपने माउस को ड्रैग करना है, एंड देन टाइप रेडियस व्हिच इज 30। रेडियस मैंने एंटर किया, एंड देन मैंने एंटर कर दिया 30, तो ये मेरे पास सर्कल ड्रा हो गया है रेडियस 30 का। तो भाई अगर मैं इसकी डायमेंशन से करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे जो मेरा टैप है ऊपर, यहाँ पर होम टैप में मुझे जाना है, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है डायमेंशंस, तो मुझे यहाँ पर सिंपली रेडियस और को सिलेक्ट करने के बाद अपने सर्कल को चूज करना है, और यहाँ पर मेरे पास जो रेडियस है वो इसका शो हो रहा है जो कि 30 है। मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली डी को प्रेस करना है, एंड देन न्यू और सॉरी एंड देन सेट मॉडिफाई, और उसके बाद जो यहाँ पे टेक्स्ट है उसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। लेट से कि मैं इसको 2 पे रख लेता हूँ, विच इज गुड फॉर मी, एंड देन आई प्रेस ओके एंड सेट अस करंट एंड देन क्लोज इट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका डायमेंशन है वो थोड़ा सा बेहतर विजिबल हो रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा माउस के राइट क्लिक को करके, और उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा अपने कीबोर्ड से की से। तो देन मुझे ड्रॉ करना है एक और सर्कल जो कि है 40 डाया का, तो मैं अगेन सी को प्रेस करूंगा और फर्स्ट सर्कल के ऊपर माउस लेकर आऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास मिड पॉइंट शो कर देगा। ड्रैग करूंगा माउस को और डी प्रेस करके टैप कर दूंगा 40, और उसके बाद मुझे एक और सर्कल चाहिए जो कि है डाया 20 का। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर मैंने सर्कल को टाइप किया तो मेरे पास यहाँ पर नीचे एक मैसेज भी शो हो रहा है जो कि बता रहा है कि अगर आपको रेडियस टाइप करना है तो आप सिंपली टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, और अगर आपको डाया चाहिए तो आप इसको क्लिक करके भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाया ड्रॉ करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर लूंगा, एंड देन मुझे डाया चाहिए 20 का, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया, मेरे पास आ चुका है डाया। तो भाई यहाँ से मैंने अपना ड्रॉ कर लिया है स्ट्रेट लाइन, और जो कि है 85 इंचेस की। एंड देन मुझे अपने माउस को टॉप साइड पे ले जाना है, अबव साइड पे मूव करना है, और टाइप करना है 40, और इसके बाद मुझे सिंपली स्केप को प्रेस कर देना है। देन मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है एक और सर्कल जिसकी डाया है 30 का, तो यहाँ पर मैंने चूज करके ड्राया बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ कर लिया है एक सर्कल। देन मुझे एक और सर्कल चाहिए जो कि यहाँ पर है, जिसकी डायमेंशन है डाया 12, मैंने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद इस डाया से सेंटर से और उसके बाद इस सर्कल से यहाँ पर मुझे लाइन ड्रॉ करना है जो कि है 40 का, 40 इंचेस, एंड देन मुझे यहाँ पर इसके प्रेस करना है, और इसी तरह से मुझे ये वाला सर्कल यहाँ पर भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कॉपी के लिए सी पी या सी और टाइप कर दूंगा, और उसके बाद एंटर करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद अगेन एंटर,
और मेरे पास यहाँ पर ग्रीन बॉक्स जो हो रहा है, सिंपली मुझे ड्रैग करना है, यहाँ पर प्लेस कर देना है एंड देन मुझे एस्केप को प्रेस कर देना है। यहाँ देन मुझे क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है जो कि टेंजेंट होगा इस एंगल से इस एंगल पर, और उसके बाद इसी तरह से मुझे यहाँ पर नीचे भी लाइन ड्रॉ करना है इस एंगल से इस एंगल तक, और रिमेनिंग के लाइन से उसको ट्रिम करना है। ट्रिम के लिए टी आर और डबल एंटर मुझे प्रेस करना है, और रिमेनिंग जितनी भी लाइंस हैं वो यहाँ से मैं सबको रिमूव कर दूंगा। एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लाइन को ड्रॉ करना है जो कि इस सर्कल के 30 डाया वाले सर्कल पे होगा। टेंजेंट ड्रॉ करना है बिल्कुल स्ट्रेट 40 एंड देन 50 का। तो मुझे 40 प्लस 50 कितना हुआ 90, तो यहाँ पर मैं 90 टाइप कर दूंगा और एंटर। तो मेरे पास ये वाला लाइन ड्रॉ हो चुका है, और उसके बाद जो यहाँ पर 40 की लाइन है यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है अगेन 50 जो कि है लाइन, और उसके बाद यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है एक सर्कल जिसकी डायमेंशन है डाया 15 का। और सर्कल को चूज करने के लिए मैं सी टैप करूंगा, और यहाँ पर जो मेरे पास सर्कल होगा वो होगा रेडियस 15 का। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया और देन अगेन मैंने लाइन एल को प्रेस किया, और इस सर्कल के टेंजेंट से इस सर्कल के टेंजेंट पर जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है ये साइन और टेंजेंट भी लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे सिंपली प्रेस कर देना है। देन मुझे क्या करना है, तमाम लाइंस को रिमूव करना है टी आर डबल एंटर प्रेस करके। मैं थोड़ा जूम इन करूँगा, यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन, एंड देन यहाँ से मुझे ये लाइन को रिमूव कर देना है, थोड़ा जूम इन करके देखना है, और इसी तरह यहाँ से ये दोनों लाइंस भी रिमूव कर देनी है। एंड देन लास्ट में जो मेरे पास ड्राइंग रह चुका है वो यहाँ पर मुझे रेडियस लेना है 50 का। तो मैं सर्कल को ड्रॉ नहीं करूँगा, मुझे यहाँ पे चूज करना है फिलेट। फिलेट के लिए मैं टाइप करूँगा सिंपल एफ, यहाँ पर एंटर, एंड देन मुझे टाइप करना है रेडियस, एंटर, एंड अगेन प्रेस करना है डायमेंशन जो कि है 50, एंड देन इस लाइन को चूज करूंगा और इस लाइन को चूज करूंगा। तो मेरे एक लाइन जो होगा फिलेट विद रेडियस ऑफ 50 ऑलरेडी यहाँ पर ड्रा हो चुका है। तो भैया ये है इसका 2D ड्राइंग। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है 3D में, तो 3D के लिए यहाँ पर मैं इसका जो व्यू है वो जाऊंगा साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक से। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो एक्सट्रूड के लिए आप मैं चूज करूंगा प्रेस पुल पी आर ई डबल एस टाइप करेंगे तो यहाँ पे कमांड आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से मुझे जो पहले ये वाला सर्कल है एक्सट्रूड करना है जिसकी डायमेंशन है 15 प्लस 20 जो कि बनता है 35, एंड देन ये वाला भी 35। इसको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा एक्सट्रूड कर लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से ये वाला सर्कल बाद में रिमूव भी करना है। लेट्स सपोज के इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको बाद में मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड करूंगा, पहले मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ जो कि है मेरे पास 15। तो मेरे पास ये ड्राइंग है, इसको थोड़ा सा बेहतर व्यू में देखने के लिए मैं जाऊंगा शेडेड में, एंड देन यहाँ पर मेरे पास जो है ये ड्राइंग शो हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे रखकर करना है प्रेस पुल इस लाइन को। तो ये मेरे पास देखिए कि इसको मैंने प्रेस पुल के जरिए यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर होल्ड हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज के ट्यूटोरियल की फर्स्ट ऑटोकैड 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, इसकी डायमेंशंस को मुझे टाइप करना है यहाँ पर। तो दोस्तों ईच की डायमेंशंस को टाइप करने से बेहतर है कि यहाँ पर मैं जाऊँ कस्टम से टॉप व्यू एंड देन शेडेड टू 3D वायर फ्रेम, और इसके बाद यहाँ से हर एक की जो डायमेंशन है वो इसी तरह से यहाँ पर मैं टाइप करता जाऊँ, और यहाँ से वो डायमेंशंस तमाम की तमाम आ जाएंगी। तो भैया होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए देखते रहें फॉटिक।